लाहौर नवाही इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मुस्लिम मकामात पर हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई। दर्जन हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। नमूने की बीमारी से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत पंजाब में मजीद 6 बच्चे जहां बहक, एक का ताल्लुक लाहौर से था। लाहौर में 60, पंजाब में नमूने के 140 केसेस रिपोर्ट हुए। नमूने से जहां बहक बच्चों की मजमूई तादाद 126 हो चुकी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबी मुहिम का मकसद बिलावल भुट्टो को लाहौर से कामयाब करवाना है। बिलावल भुट्टो मुल्क का मुस्तकबिल है। इसने हमेशा यकसुई की बात की, अपनी ज़िंदगी में ख़ानदानों को तकसीम करने की बात नहीं की। चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए महकमे पुलिस की 23,000 अहलकारों की कमी का सामना। AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मुतल्लिका अज़ला को मरासला भिजवा दिया। इलेक्शन डे पर 1,30,000 अहलकार ड्यूटी देंगे। मुतल्लिका यूनिट्स की नफरी को इलेक्शन ड्यूटी के लिए करीबी ज़िला के अख्तियार में रखा जाएगा। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुलाजमीन को पाबंद कर दिया। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेंगे। रैलियों जलसों में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई।